हाँ दोस्तों, आज हम चौथे हैबिट की बात करेंगे यार। चौथा हैबिट है थिंक विन विन। फ्रेंड्स, ये बहुत एविडेंट है, हमेशा हमें विन विन सिचुएशन की बात सोचनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप जो भी प्रोफेशन में, जिस किसी प्रोफेशन में है, वी हैव टू ऑलवेज थिंक विन विन। व्हाट डज इट मीन? आप अगर विन विन की सिचुएशन सोचेंगे, लाइक यू आर अ स्टूडेंट, यू आर सम डिवोटिंग सम टाइम एंड वी हैव टू थिंक दैट देर इज अ विन सिचुएशन फॉर मी एंड देर इज अ विन सिचुएशन फॉर टीचर्स हु टीचिंग यू, देर इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड योर पेरेंट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी बिजनेस में है, किसी प्रोफेशन में है, यू आर स्पेंडिंग सम टाइम, सो देन वेन यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, you are giving your service, in return you are getting the thing. It should not be ki aapne samay diya and you are not getting anything. So first of all, we have to do our part, we have to give. Agar jaise hi hum dete hain, we are showing our winning attitude, from opposite also, inverse also will give us win. Friends, win-win situation is important. This is the important habit of a effective people in every way of life. अब जिस किसी लाइफ के किसी भी मोड़ पर आपको विन विन सिचुएशन के बारे में सोचना है, आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, थिंक विनिंग सिचुएशन फॉर अदर्स। आप देखिए कि मैं दूसरे का भला कर रहा हूं, आपका इनवर्स भला करेगा। देर इज अ लॉ ऑफ गिविंग इन इनवर्स, देर इज अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ गिविंग। इफ यू आर गिविंग गुड थिंग, गुड विल कम। इफ यू आर गिविंग बैड थिंग, बैड विल कम। If there is a win-lose situation, friends, what will happen? One person is winning, other is losing. It is not long-lasting. ये long-lasting नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद either party will leave. लेकिन if there is a win-win situation, what will happen? This will be permanent. ये association permanent होगा। You will be giving your best and you will be receiving the best. सो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा दे रहे हैं, आपको अच्छा नहीं मिल रहा, व्हाट विल हैपन? सॉरी, सो यू विल बी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल बी लिविंग दोस थिंग। सो फ्रेंड्स, हमें किसी भी प्रोफेशन में विन विन सिचुएशन को देखना है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, वेदर इट इज इन फैमिली, अगर आप फैमिली में सपोर्ट करते हैं, देन इज अ विनिंग एटीट्यूड। सो आपको फैमिली में दूसरे लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा जनरली देखा गया है। जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनका इजीली काम हो जाता है, बिकॉज दे फॉलो दिस विन विन सिचुएशन, इसको फॉलो करते हैं, विन विन सिचुएशन को फॉलो करते हैं। एंड इफ यू आर फॉलोइंग इन एवरी वे ऑफ लाइफ, यू विल बी सक्सेसफुल। सो फ्रेंड्स, हमें विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ वन पर्सन। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, मैं भी जीतूं अगला भी जीते, मैं भी पाऊं अगला भी पाए। लेकिन अगर आपने ऐसा सोच दिया कि मैं जीतूं लेकिन अगला हार जाए, लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सोचना होगा कि मैं भी जीतूं अगला भी जीते, और अगला तभी जीतेगा जब आपको ये एटीट्यूड, आप तभी जीतेंगे। अगले के बारे में आपको सिर्फ अपनी अपनी जो फीलिंग है वो डाली है कि इसमें दोनों का भला हो। फ्रेंड्स, आज के समय में देखा गया है, द मैटर ऑफ जो भी लाइफ में जिस किसी फील्ड में हम सक्सेसफुल होते हैं, देयर इज अ पावर ऑफ नेटवर्किंग, थ्रू नेटवर्किंग वी आर गोइंग अहेड। तो अगर फ्रेंड्स, नेटवर्किंग का जो फॉर्मेशन होता है, उसका एकमात्र मोटिव होता है एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। आप सिर्फ फायदा लेंगे, इफ यू आर ओनली टेकिंग टेकिंग नॉट गिविंग, इट वॉन्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप ले रहे हैं तो आप दीजिए भी, लेना और देना दोनों, एंड लेना और दोनों दोनों लेना और देना दोनों होता है। इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव आस्पेक्ट, इट इज अ विन विन सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, विन विन सिचुएशन इज वेरी वेरी इजी, सो वी हैव टू थिंक ऑलवेज विन विन। किसी भी प्रोफेशन में आप क्यों ना हो, आप स्टूडेंट हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, यू हैव टू थिंक विन विन, यू विल बी हाईली सक्सेसफुल पर्सन, योर हैबिट विल बी इनहांस। ये आपकी सात हैबिट में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैबिट,
कि हमारी एटीट्यूड होनी चाहिए विनिंग एटीट्यूड, लेकिन अगला को हरा के नहीं, अगला को भी जिता के आप सामने वाले के बारे में भी सोचिए, वो भी जीतेगा मैं भी जीतूंगा। आज जब ऐसा सोचना शुरू कर देंगे आप लाइफ में आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। आपकी हाइट डेली नया नया आप आयाम सेट करेंगे कि यस आई टू रीच दिस लेवल एंड योर पार्टनर विल बी कमिंग टू दैट लेवल ऑल्सो। आप बिजनेस, आपने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया, इफ देयर इज अ विनिंग एटीट्यूड, विन विन सिचुएशन है, तभी आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं और देखेंगे कि आप लाइफ के उस मुकाम पर पहुंच गए जहां आपने सोचा था, आपने डिसाइड किया था। बिकॉज बोथ पार्टीज आर विनिंग, किसी में भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन जनरली देखा गया है कि हम जॉब की बात मैं करता हूं, जॉब में जब तक हम कंपनी का भला कराते रहते हैं, हम ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे ही हमने कंपनी का ग्रोथ भला के बारे में सोच छोड़ दिया, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, हमारा डीग्रोथ शुरू हो जाता है। बिकॉज यू हैव स्टार्ट थिंकिंग विन लूज, मुझे मैं तो जीतूं लेकिन अगला हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको अगले के बारे में भी सोचना है कि वो भी जीते, तभी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चलेगा। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चलाने के लिए आपको विन विन सिचुएशन लाना होगा। देयर शुड नॉट बी ईदर केस, लूज विन और विन लूज। अगर आप हारते भी हैं तब भी अच्छा नहीं है, आप सिर्फ जीतते हैं अगला हारता है तब भी अच्छा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लंबा एसोसिएशन चले, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करें, तो इट शुड बी दैट यू बिलीव इन विन विन सिचुएशन। फ्रेंड्स, आप किसी भी एसोसिएशन को, नया एसोसिएशन को बनाए, ऑलवेज देयर शुड बी ए स्कोप ऑफ विन विन। आप विन विन के बारे में सोचेंगे, यू विल बी सीइंग दैट यू आर हाईली हाईली सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हम और 3 हैबिट की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बात किया 4 हैबिट की बात किया। तो फर्स्ट हैबिट वॉज बी प्रोएक्टिव, सेकेंड हैबिट वॉज ऑलवेज बिगिन विथ एंड इन माइंड, एंड थर्ड वॉज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड फोर्थ वन इज थिंक विन विन। सो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में और भी 3 हम हैबिट की बात करेंगे जो आपको हाईली सक्सेसफुल बनाएगा। ये फ्रेंड्स, दिस हैबिट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इंप्लीमेंट, बट वेरी फ्यू पीपल आर बॉदर टू इंप्लीमेंट इन लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए, आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, एंड यू सी द मिराकल, यू सी द मिराकल दैट यू आर अचीविंग ऑल द सक्सेस यू आर लुकिंग फॉर। सो फ्रेंड्स, आपको अगर सक्सेसफुल होना है, अभी तक जो 4 हैबिट की बात किया, आप उसको इंप्लीमेंट, लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। आने वाले दिनों में हम 3 हैबिट की और बात करेंगे, एंड आई होप आप ये 3 हैबिट आपके लाइफ को चेंज कर देगा। सो सी यू नेक्स्ट डे, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।